अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरा जय भीम और जय मीम। इस देश के घटनाकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और हमारे कायद, इनको पहले मैं मेरा सलाम करता हूँ और बाबा साहब को अभिवादन करता हूँ। भाइयों, आज यहाँ मंच के ऊपर जिन्होंने मुझे, मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे खाक में से उठाकर औरंगाबाद के महानगर पालिका का कारपोरेटर बनाया, ऐसे हमारे खायद माननीय असद साहब, मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे हैदराबाद के, तेलंगाना के और पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हमारे नेता, हमारे औरंगाबाद के कारपोरेटर, महाराष्ट्र से आए हुए कारपोरेटर और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद शहर में 2014 में नवंबर के अंदर जब हमारे नेताजी की सभा हुई, अमखास मैदान के बाजू में जय भीम नगर में मैं रहता हूं, और मैंने जब साहब की सभा सुनी और जब देखा कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद अगर इस महाराष्ट्र में, इस देश में अगर दलित और मुस्लिम समाज के लिए लड़ने वाला अगर कोई नेता होगा तो माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और मैंने ठहराया कि सुबह साहब औरंगाबाद आए थे, बारिश इतनी तेज चल रही थी, नगर जिले के अंदर जौखेड़ा में दलित हत्याकांड हुआ था, इतने बारिश में भी साहब एक छोटे से गांव में चले गए जौखेड़ा के अंदर, उस दिन भी मैं साहब के साथ में था। और जब शाम में हम सब आए, हमारी मीटिंग हुई और हमने कहा कि अगर दलित समाज के बारे में अगर कोई सोचने वाला नेता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और भाइयों, हमने सबने जब एमआईएम में प्रवेश किया, महानगर पालिका के चुनाव लगे तो महानगर पालिका के अंदर दलित समाज के 5 कारपोरेटर और मुस्लिम समाज के 21 कारपोरेटर, ऐसी 26 कारपोरेटर हम चुन किए गए। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब ने अमखास मैदान के तकरीर में कहा था कि हम औरंगाबाद का महापौर जो है दलित समाज का बनाएंगे, और साहब ने जो कहा वो सच करके बताया और मुझे औरंगाबाद महानगर पालिका का मेयर के लिए फॉर्म भरने को कहा। लेकिन हमारे आंकड़े कम होने से मैं महापौर नहीं बन सका। लेकिन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र के अंदर आज हर दलित समाज के घर में एक बाजू में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का फोटो है और दूसरे बाजू में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोटो है, क्योंकि आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र के अंदर 40 लाख वोट लिए हैं। कम से कम 15 जगह पे हमारे उम्मीदवार बहुत थोड़े कम वोटों से हार गए हैं। आज भाइयों, मैं अपने तेलंगाना के आवाम से कहना चाहूंगा कि आज महाराष्ट्र में जो माहौल बना है कि आज वहां पर कांग्रेस वाले कहते हैं कि अभी हमें राष्ट्रवादी नहीं चाहिए, अभी हमें वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ युति करना है। इतनी ताकत असद साहब ने वहां बनाए है। आज हमारा हर, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज ऐसा एक भी घर नहीं है, एक भी मकान नहीं है कि जहां असद साहब का फोटो लगा हो या माननीय हमारे अकबरुद्दीन साहब का फोटो लगा हो। मैं पूरे आवाम से यही कहना चाहूंगा कि आज इस देश में जब से आरएसएस बीजेपी इनकी सरकार आई, इस देश में दलित मुस्लिम बहुजन समाज पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं,
इसीलिए हमारे नेताजी आज पूरे देश में दलित मुस्लिम समाज के बचाव के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आज हमारे नेताजी पूरा देश घूम रहे हैं। भाइयों, मैं आपको साहब मैं दो मिनट लूंगा। और हमारे आमदार अभी हमारे माननीय आमदार अभी हमारे माननीय खासदार जी बने हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरंगाबाद के अंदर हमारे जो धर्मगुरु होते हैं भंते जी, हमने तो प्रचार किया, लेकिन हमारे जो धर्मगुरु है भंते जी होते हैं, वो भंते जी ने भी इतना प्रचार किया कि कम से कम आज दलित समाज का हर एक वोट MIM को गिरा। और आज हमारे इम्तियाज जलील साहब 4 लाख वोट लेके औरंगाबाद के MP बन गए। मैं इतना आपसे कहूँगा और मैं साहब से इतना कहूँगा कि साहब आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भी MIM का औरंगाबाद का मेयर बनेगा और आने वाले MLA के इलेक्शन में भी औरंगाबाद से 3 MIM के MLA बनेंगे। मैं इतना कहूँगा और मैं 2 लफ्ज़ खत्म करूँगा। खुदा हाफिज़। जय भीम, जय भीम।